अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रुकमान विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक डिफरेंट वे में चिकन बनाना सिखाऊंगी। चिकन बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 3 अदद टमेटोज। 3 से 4 अदद हम टमेटोज लेंगे और टमेटो को हम दरमियान से कट कर लेंगे इस तरह से। चिकन का सालन बनाते हुए फीमेल्स का इशू रहता है कि अगर तो हम इसमें अनियन को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो सालन मीठा बनता है, और अगर हम अनियन कम यूज़ करते हैं तो आपका मसाला अच्छे से नहीं बनता। आज हम चिकन को इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा मसाला भी ज़्यादा बनेगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे लेंगे हम 3 अदद हरी मिर्चें, बिल्कुल इनको भी हम दरमियान से कट लगा लेंगे। इस रेसिपी में हमें कुछ भी नहीं करना, ना तो स्लाइसेस बनाने हैं और ना ही चॉप करना है, कटिंग बहुत ईजी है। और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ में अनियंस। अनियन को हम पील कर लेंगे। ये जितना भी मटेरियल आप देख रहे हैं ये 1 kg चिकन के लिए। अनियन को भी हम दरमियान से कट कर लेंगे जिस तरह से हमने टमाटो की कटिंग की थी। इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पे 2 अदद गार्लिक। चूँकि मेरे पास है यहाँ पे देसी गार्लिक, तो आप इसकी कलियाँ चूँकि छोटी होती हैं इसलिए हम इनको 2 लेंगे। अगर आपके पास फार्मी गार्लिक है तो इसको अच्छे से पील करने के बाद हम इनकी कलियाँ सेपरेट कर लेंगे। और हमें चाहिए यहाँ पे 2 लेमन्स, और इसके साथ में हमें इतना तकरीबन 2 इंच के करीब हमें जिंजर का टुकड़ा चाहिए। इसको भी हम इसकी स्किन को रिमूव करेंगे और दरमियान से इसको भी कट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे आलमोस्ट 1 पाव के करीब योगर्ट। इसको आप एक दफ़ा अच्छे से बीट कर लीजिएगा। और योगर्ट के साथ हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें होगा तेज़पात, ज़ीरा, खुशक धनिया, 10 से 12 अदद आप ब्लैक पेपर ले लीजिए, और 1 ग्रीन इलायची का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 4 to 5 tablespoons ऑयल ऐड किया है, और इसमें ये जितनी चीज़ें हमने कटिंग की थी ये सारी हम इसमें 1 by 1 ऐड कर देंगे। सब कुछ आप एक ही दफ़ा में डाल दीजिए। इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। कढ़ाई को मैंने अदर फ्लेम पे कर दिया है, तब तक हम इसमें अपने ये गरम मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हमें इसको रोस्ट करना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और आपने इसको दरदरा सा पेस्ट बनाना है, दरदरा सा कूटना है। ये देखिए, जब अनियन ऑयल में सोक होता है तो ये ऑटोमेटिकली अलग होना शुरू हो जाता है। आप इसको हल्का सा चम्मच के साथ प्रेस करेंगे तो इसके जो पीसीज हैं वो अलग हो जाते हैं। अब हमें इसको टमाटो को निकाल देना है। टमाटो अल्हम्दुलिल्लाह सोक हो गया है। कढ़ाई से टमाटो निकालने के बाद हम अनियन को और बाकी मटेरियल को हल्का सा और फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब इस तरह से अनियन हल्का सा फ्राई हो गया तो अनियन को भी हम लाइट गोल्डन होने के बाद निकाल लेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा मटेरियल प्लेट में शिफ्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और कढ़ाई को एक दफ़ा इसका ऑयल स्ट्रेन करके इसको वॉश कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक जार लेंगे और इस सारे फ्राई मटीरियल को इस जार में शिफ्ट कर देंगे। आपने पहले इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है ताकि जो मशीन की ब्लेड्स हैं वो इनकी हीट की वजह से ख़राब ना हो। सारा मटेरियल हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कढ़ाई को दोबारा से वॉश करके हम इसमें ऑयल गर्म करने के बाद चिकन को डाल देंगे। चिकन को इस तरह से हमने ब्राउन शेड में करना है। ये देखिए, बहुत ही हमारी हल्की सी रोस्ट हो रही है। अभी हमें इसको थोड़ा सा और रोस्ट करना है, और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon सॉल्ट।
सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करते ही हमें इसमें थोड़ा सा पानी लगाना है। जब भी आप मसाला पाउडर यूज़ करते हैं तो उसको साथ में पानी लगा के भुना करें, अदरवाइज़ जो मसाला होता है वो कढ़ाई के साथ नीचे लग के जल जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। चिकन में सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने प्यूरी सी बनाई है ना, ये सारी ग्रेवी ऐड करने के बाद हमें इसमें अच्छे से चिकन को भूनना है। ये देखिए, ये हमारा रिच ग्रेवी सालन बनेगा। अब हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आए और ये सारा मसाला चिकन में मर्ज हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सारा गरम मसाला जो हमने दरदरा सा बनाया था, और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन को आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, लेमन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम कढ़ाई को अच्छे से स्टीम पे कवर कर देंगे ताकि चिकन के अंदर योगर्ट का अच्छे से टेस्ट जा सके। और आपने इसको लो फ्लेम पे कवर करना है 15 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको स्टीम से रिमूव कर देंगे। स्टीम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे देनी है ताकि दही में चिकन अच्छे से टेंडर हो सके। जब हम स्टीम देंगे तो दही पानी छोड़ेगा, उससे चिकन अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, ग्रेवी में हमारा अच्छे से चिकन भुन गया, ऑयल हमारा अलग हो गया। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे हम अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे। ये देखिए, अभी इसमें ना दही की वजह से हल्का हल्का सा दाना है, तो ये हमारा मसाले में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जूलियन कटा हुआ अदरक। ये रिच ग्रेवी आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी ग्रेवी बनाई है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ग्रेवी और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर सकते हैं। चिकन की भुनाई हमेशा थोड़ी सी तेज़ आंच पे की जाती है। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूँगी और एक दफ़ा चिकन हल्का सा इसमें भून लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन रेडी है। फ्लेम को यहाँ पे क्लोज करते हैं और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।